तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से, मैं एक कटोरी ले ली हूँ। कटोरी में मैं थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दी हूँ, जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। जी हाँ दोस्तों, वही डाला है मैंने। और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ कोलगेट, कोई सा भी कोलगेट आप ले सकते हैं। तो देखिए मेरे पास वाइट ही है, तो मैं वाइट ही डाल रही हूँ। इसमें कोलगेट डाल लिया है और दोनों का मिक्सचर बना लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जितने भी क्वांटिटी में आपको कम या ज़्यादा करना है तो इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए मैं जो बेकिंग सोडा है थोड़ा सा मैं बचा दे रही हूँ, बाकी मैं थोड़ा सा छोड़ के मैं इसके अंदर इसको मिक्स कर ले रही हूँ। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का किचन ट्रिक है, इसको आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो आपकी ये जो ज्वाइंट होते हैं, देखिए हम किसी हाउसवाइफ जो होते हैं, बहुत सारे कितने लोग के ज्वाइंट भी काला रहते हैं और नाखूनों के पास भी काला काला रहते हैं, तो ये बहुत ही गंदा लगता है। अगर हमें कहीं पार्टी वगैरह में जाना भी पड़ता है तो ये ज्वाइंट ये नाखूनों के पास जब काला काला दिखता है ना, तो बहुत ही गंदा लगता है। तो इसके लिए यही है कि आप बेकिंग सोडा में इस तरीके से कोलगेट डाल के आप लगा लीजिए, और लगा लेंगे आप देखेंगे जितने भी आपके नाखूनों के पास ये कालापन रहेगा ये बहुत इजली तरीके से छूट जाएगा। और दोस्तों ये बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो इसी तरीके से आप ज्वाइंटों पे, जहाँ भी आपको लगे ज्वाइंट पे कि हमारा ज्वाइंट थोड़ा, मुझे काफ़ी फील हो रहा है कि थोड़ा काफ़ी कालापन हो रहा है, तो अपने अंदर थोड़ा सा फील होता है, तो दोस्तों अगर इस तरीके से कर लेंगे तो आपके ज्वाइंटों में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। और इसको लगाने के बाद आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको 10 मिनट छोड़ देंगे ना तो 10 मिनट बाद आपको अपने आप ही इसका रिजल्ट दिख जाएगा कि इससे काफ़ी अच्छा इसका क्लीनिंग हो जाती है। तो देखिए मैं इसको लगा ली हूँ और मुझे इसको देखिए 10 मिनट छोड़ देना है। तो चलिए 10 मिनट हो चुका है और ये थोड़ा सूख भी चुका है। तो देखिए मैं ये जो कटोरी ली हूँ, तो आप सोचेंगे मैं इसमें धोऊँगी, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं थोड़ा सा बस इस तरीके से अपने हाथों को गीला कर लूँ बस, अब ज़्यादा नहीं। तो चाहे तो आप इसको वैसे भी सूखे में ही साफ़ कर ली, लेकिन मैं हल्का सा नॉर्मल कर ली हूँ बस। अब आपको कोई कपड़ा ले लेना है और कपड़े को आपको अच्छी तरीके से कपड़े के हेल्प से इसको पोंछ लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बस मैं एक साइड से दिखा रही हूँ तो आपको खुद ही इसका रिजल्ट पता चल जाएगा कि इससे के लगाने से कितना आपकी ज्वाइंटों में क्लीन हो चुका है और कितना परिवर्तन आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे हैक टिप आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ट्रिक दोस्तों ज़रा से भी आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे मैं ज़्यादा देर तो नहीं लगाई थी, बस मुश्किल से 5 मिनट तक के मैंने लगाया था। 10 मिनट मैंने कहा था लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सिर्फ मैंने 5 ही मिनट लगाया था। तो आप 5 मिनट में ही आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया हुआ है, तो आप देख पा रहे होंगे इसी तरीके से आप अपने हाथों को क्लीन कर सकते हैं, कितना हमारे हाथों पे ज्वाइंटों पे ग्लो आ चुका है। और अब मैं दोनों हाथ दिखा रही हूँ कि दोनों में मेरी कितने परिवर्तन आ चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने हाथों को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ज्वाइंट आपको लगे कालापन, तो देखिए आप इस तरीके से इसको साफ़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं पार्टी वगैरह में जाना है तो छोटे छोटे ट्रिक आप अपने घर में आजमा सकते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों वाइट कपड़ों को लेके है। तो दोस्तों वाइट कपड़ों को लेके है, रुमाल हो गया या तौलिया हो गया, बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म हो गया, तो आपने देखा होगा अगर इस तरीके से इंक लग जाता है तो हम सभी के साथ बहुत प्रॉब्लम भी हो जाता है। इंक एक ऐसा चीज़ है कि जल्दी ये छूटता नहीं है। तो बस आपको क्या करना है कि इस तरीके से जब इंक लग जाता है तो नीचे पेपर रख लीजिए। अब मैं पेपर क्यों रखी हूँ अब आप ये भी पूछेंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि मैंने पेपर क्यों रखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पेपर मैंने इसलिए रखा हुआ है कि जो मैं इंक डालूँगी, पानी इसमें मैं डिटॉल डाली हूँ, तो देखिए इस तरीके से डिटॉल डालेंगे तो जितना भी डिटॉल डालेंगे इंक इसके साथ छूटता रहेगा, ये पेपर अच्छी तरीके से सोक कर लेगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। और इस तरीके से आप इसको देखिए, मैं हल्के हल्के हाथों से रफ़ कर रही हूँ तो आपको खुद ही पता चल रहा होगा कि जितना इंक है ये बहुत इजीली तरीके से ये शर्ट के ऊपर से निकल रहा है। तो देखिए मैं इस तरीके से
अच्छी तरीके से थोड़ा रफ़ कर देती हूँ। मैं इसको बिना साबुन लगाए जितना भी इंक लगा हुआ है इसमें से मैं अच्छी तरीके से इसको छुड़ा लूँगी। तो चलिए अब आप देख पा रहे हैं, आपको देखने में खुद ही पता चल रहा होगा कि ये इंक कितना अच्छा ये रिमूव हो चुका है, छूट चुका है, और जो भी इंक गिर रहा है तो ये मैं पेपर इसीलिए रखी थी कि इसके ऊपर ही गिरी है। तो चलिए मैंने इसको रफ कर लिया है। अब आप देख पा रहे हैं बच्चे ने ड्रेस भी काफ़ी गंदा कर रखा है, तो मैं इसको देखिए थोड़ा सा पानी ले लेती हूँ एक बाउल में। अब मैं आपके सामने ही दिखा देती हूँ कि इसके ये जो इंक लगा हुआ है बहुत ही इजी तरीके से छूट जा रहा है। तो दोस्तों ना कोई साबुन ना कोई सरफ, अब बहुत इजी तरीके से ये जो इंक है आपका बहुत इजी तरीके से मैंने छुड़ा दिया है सिर्फ है आपके डिटॉल से। और दोस्तों देखिए इस तरीके से ये जो हमारा वाइट कपड़ा है ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है इतने दूर। जी हाँ दोस्तों, तो ये बच्चे का शर्ट है, आप सभी को पता है कि बच्चे काफ़ी कपड़े गंदे करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला हैक टिप भी देख लेते हैं कि अगला हैक टिप में हमारा क्या है। अगला हैक टिप दोस्तों मिर्च को लेके है। तो दोस्तों हम हाउसवाइफ जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो मिर्च भी काटना बहुत ज़रूरी रहता है, प्याज भी काटना बहुत ज़रूरी रहता है। प्याज तो काट लेते हैं लेकिन मिर्च क्या है दोस्तों, जब हम काटते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में तो आपने देखा होगा गर्मियों के दिन में वैसी ऊपर से गर्मी और हाथों में मिर्च काटने से जलन। तो ऐसा क्या करें कि हमारे हाथों में जलन ना हो? तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में मिर्च काटते हैं अगर हमारे हाथों में जलन होता है तो इसके लिए एक छोटा सा हैक टिप है कि हमें करना क्या है। अपने हाथों में ले लेना है नमक, जो भी नमक आप अपने घर में खाते हैं सेंधा नमक या नॉर्मल नमक वो नमक ले सकते हैं। वैसे दोस्तों सच बताऊं आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो देखिए मैं हम लोग क्या करते हैं कि सेंधा नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मैं सेंधा ही नमक ली हूँ। और देखिए इसके सेंधा नमक के ऊपर मैं इस पर डाल रही हूँ सरसों ऑयल। जी हाँ दोस्तों, ये जो सरसों ऑयल होता है जो भी अपने आप किचन में इस्तेमाल करते हैं सरसों ऑयल रिफाइंड ऑयल जो भी, इसके जगह आप घी भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसके लगाने से अगर अपने हाथों को रफ़ करेंगे तो जितना भी मिर्च का जलनपन है बिल्कुल वो बहुत इजीली तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा और आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगला हैक टिप दोस्तों इस चूड़ियों को लेके, जब हम मार्केट से न्यू न्यू चूड़ियाँ ले आते तो आपने देखा होगा कि हमें इसको काउंटिंग करते करते इसका जॉइंट खुल जाता है। इतनी महंगी से महंगी चूड़ियाँ ले आते हैं पर हमारी चूड़ियाँ जब जॉइंट खुल जाता है तो हमारी चूड़ियाँ हो जाती है बेकार और चूड़ियाँ हमारी मुड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसको एक छोटा सा ट्रिक है कि जब भी आप मार्केट से चूड़ियाँ लेके आते हैं तो आप सभी को पता है कि हम रोटी तो बनाते ही हैं, हमारा तवा 10 से 15 मिनट तक के गर्म रहता है। तो इस तरीके से बस चूड़ियों को अपने इस तरीके से तवा पर रख दीजिए और रखने के बाद अब आप इस तरीके से 10 से 15 मिनट तक के छोड़ दीजिए। जितनी भी कच्ची चूड़ियाँ हैं आपकी बिल्कुल पक्की हो जाएगी और पक्की होने के बाद अब आप इस चूड़ियों को साल भर रखिए, बिल्कुल आपका जॉइंट ही नहीं खुलेगा, आपकी चूड़ियाँ हमेशा हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जितनी कच्ची चूड़ियाँ हैं बिल्कुल पक्की हो जाएगी और आपकी चूड़ियाँ जो भी है ना ये लंबे समय तक के चलेगी। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो दोस्तों मैं यहीं पर अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर ट्रिक इसमें से कोई सा भी आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।